बीच हम आपको यह भी बता दें कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी 18+, अब 1 तारीख से उनकी प्रक्रिया शुरू होगी, उनको वैक्सीनेशन लगना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आरएस शर्मा, CUNHA एंड चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में, सबसे पहले तो रजिस्टर कैसे करें, प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी जरूरत होगी, जरा इसको क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब सबसे पहले। धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट करने के लिए अपने चैनल पर। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपने जाननी चाहिए है, तो एक आंकड़ा मैं आपको दे देता हूं कि कल शाम को 4 बजे 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और रात के 12 बजे तक करीब 1,37,00,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म पर कराया। हम लोगों ने करीब 3 करोड़ OTPs और SMS लोगों को भेजे और एक बार सिस्टम पर करीब करीब 55,000 कंकरेंट यूजर प्रति सेकंड का ट्रैफिक दर्ज किया गया। तो काफी रश एक प्रकार से रहा कल रजिस्ट्रेशन कराने वालों का। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, आप जाएंगे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आता है, 1-time password। जैसे ही OTP आएगा आप उसको प्लग इन करेंगे तो उसके बाद आपका खाता खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कराया है तो आपका डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा कि कौन कौन से लोग पहले से रजिस्टर्ड है। अगर नहीं कराया है तो फिर आप अपने आप को उसमें डिटेल दे सकते हैं। आपके डिटेल में मात्र 3 सूचनाएं पूछी जाती हैं। पहला है कि आपका नाम क्या है, दूसरा आपका जेंडर क्या है और तीसरा आपकी जन्मतिथि का वर्ष क्या है। और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि जब आप वैक्सीनेशन कराएंगे जाएंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएंगे, इधर ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है या फिर फोटो आईडी कार्ड आपका इलेक्शन का है या और पैन कार्ड है, तो ये आपको बताना होता है। और आपका नाम वगैरह जो भी आप एंटर करते हैं वो वही सेम होना चाहिए, जिससे कि कोई बाद में कंफ्यूजन ये ना पड़े कि मेरा नाम गलत इसमें एंटर हो गया। तो बहुत सिंपल है, एक फोन पर आप 4 लोगों का, अपने परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद पहले डोज के लिए अपने आप को बुकिंग करा सकते हैं, उसके बाद पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज सिस्टम बताएगा आपको कि आपका अब नंबर आ रहा है, आपकी आपको डोज के लिए बुकिंग करा लेनी चाहिए, तो एक प्रकार से रिमाइंडर आपके पास आएगा और उसके हिसाब से आप दूसरी डोज के लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये संक्षेप में प्रक्रिया है बुकिंग कराने की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2 सवाल। पहली बात तो मुंबई में जिस तरीके से लंबी कतारें हैं, वहां पर तो लोग इंतजार कर रहे हैं, हालात वहां पर ऐसे हैं कि अब दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा वैक्सीनेशन का, उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं डॉक्टर साहब जिनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो या फिर दूर दराज के ऐसे इलाके जो डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, तो वो किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, एक तो बात ये है कि आप का ये कहना कि बहुत सारी भीड़ है, तो बेसिकली हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बुकिंग की रखी है उसमें हम लोगों का रिकमेंडेशन यही है, हम लोगों की अनुशंसा यही है कि आप कृपा करके वहां पे रिजल्ट के बाद ही जाना चाहिए हमको, मतलब रिजर्वेशन के बाद ही वहां पे जाना उचित रहेगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी भीड़ लगने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रह पाती है और भी कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना जो रिजर्वेशन है वो करवाने के बाद ही जाए। और जहां तक दूसरी जो आपने बताई, दूसरा क्या सवाल था आपका डॉक्टर साहब? मेरा दूसरा सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे दूरदराज के इलाके हैं जहां पर लोगों के पास इस तरह के स्मार्टफोन्स नहीं है, तो उनके लिए क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा है कि एक तो हम लोगों को जरूरी है कि आपको स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है, आप अपने घर में किसी का भी स्मार्टफोन हो, पड़ोसी का स्मार्टफोन हो, उसको भी आप इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दैट इज नंबर 1। और उसके बाद आपका जो वॉक इन का जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है उसका उद्देश्य यही है कि वो लोग किसी कारण से रिजर्वेशन अपना नहीं करवा पाए हैं तो वो वॉक इन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करवा के आप वहां वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन तो ऐसा है, इस पूरी प्रोसेस को जन केंद्रित बनाया गया है। और जहां तक रही कि भाई टेलीफोन नहीं है लोगों के पास या लोग हमारे देश के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत फहमी है, क्योंकि इस देश में करीब करीब 100 करोड़ टेलीफोन से मोबाइल कनेक्शन से और साथ साथ करीब करीब 770 करोड़
इंटरनेट कनेक्शंस हैं और स्मार्टफोन्स हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 300 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं, लोगों को पैसा पेमेंट किया जाता है। तो ये मानना कि इस देश में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानते, ये मानना सही नहीं है। अक्सर हर परिवार में कम से कम एक टेलीफोन जरूर है, तो इसलिए टेलीफोन की कमी नहीं है। रही बात कि इसमें जानकारी वाला अभाव है, तो लोग हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर के लोग हैं, वो लोग एक असिस्टेड मोड में भी दूसरे लोगों का रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने मोबाइल से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दूसरे के मदद से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो एक सेल्फ सर्विस मोड है और एक असिस्टेड मोड है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए।